हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम लाइफ बिजी लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसके डिज़ाइन जो है उसकी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सफाई नहीं मिलेगी, बट मुझे डिज़ाइन की वीडियो शेयर करनी थी। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटेड जो कपड़ा है इसी का डिज़ाइन बनाया है। इसको मैंने 2 पीस इसके कट कर लिए हैं, सेम साइज़ का मैंने कट किया है और मैं उसको अब चारों तरफ से स्टिच कर रही हूँ। येलो कलर के मेरे कुशन है, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का मतलब प्रिंटेड कपड़ा लगाया है जिसे डिज़ाइन बनाया है। देखिए, मैंने चारों तरफ से उसको स्टिच कर लिया है। अब ये बैक साइड से मैं कुशन को तैयार कर रही हूँ और सीधा करके मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। देखो, बस सिर्फ 2 पीस मैंने प्रिंटेड लगा दिए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था उसकी मैंने वीडियो अलग से शेयर करी है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है नंबर 2 क्वेश्चन। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, ये मतलब एक क्वेश्चन होता है ना, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आधा तो मैंने येलो कपड़ा कट करा और आधा मैंने प्रिंटेड कपड़ा कट करा और उसको भी बीच में से मैंने काट लिया। मतलब येलो अगर आधा है ना तो उसका भी मैंने आधा पार्ट कर लिया और प्रिंटेड आधा है तो उसको भी आधा बीच में से कर लिया। तो 4 पीस बन गए ना, तो चारों को अपने अकॉर्डिंग मैंने स्टिच कर लिया। जब मैंने स्टिच कर लिया और फिर ऊपर से मैंने सफाई के लिए मतलब सिलाई मारी अलग से। तो देखिए मेरा डिज़ाइन बन गया है, अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब हम नंबर 3 क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बटरफ्लाई वाला है। तो क्वेश्चन का फ्रंट पार्ट छोटा है, बैक साइड बड़ा है और जो प्रिंटेड कपड़ा है डिज़ाइन के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा है उससे। तो मैंने दोनों तरफ चुंटे बना लिए डिज़ाइन के लिए। ये जो येलो कपड़ा था उसके ऊपर डिज़ाइन बन रहा है ना, तो ये सीधी तरफ ही है, सीधी तरफ ही मैंने चुंटे बनाई हैं। अब हम दोनों साइड का सीधा पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी तरफ से हम लगा देंगे सिलाई। मैंने प्रिंटेड कपड़ा इसमें अटैच कर लिया और चारों तरफ कुशन की स्टिचिंग कर ली है। बैक पार्ट भी मैंने इसका जोड़ लिया है। अब सीधा करके मैंने इसमें कुशन डाल दिया है और हाथों से थोड़ा सा बटरफ्लाई का डिज़ाइन देते हुए मैं इसमें येलो कलर की एक स्ट्रिप बनाऊंगी और सुई धागे से मैं इस पट्टी को लगा दूंगी और ये हमारा बटरफ्लाई का डिज़ाइन बन गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला डिज़ाइन। अब हम कुशन नंबर 4 का डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने स्पॉन्ज से हार्ट शेप कटिंग कर लिया है और कपड़े को 7-8 बार फोल्ड कर लिया है और एक साथ जितने भी हार्ट शेप मुझे लेने थे एक ही बार में मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने ऑलपिन के साथ इसको अटैच करके अच्छे से मतलब इसकी शेप दी है। कटिंग करते समय मैंने मार्जिन रखना भूल गई, फिर बाद में मैंने हार्ट शेप का जो स्पॉन्ज था उसको मैंने कटिंग कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने स्टिच करा है। सीधा करने के बाद फिर मैंने दोबारा मतलब साइड साइड में फिर से एक सिलाई मारी है और ये मेरे अब एक बार जितने भी मतलब लीफ थे वो बन गए हैं। अब जो बीच में सर्कल है मैं वो बना रही हूँ। मैंने प्रिंटेड कपड़े को सर्कल शेप में कटिंग करके सुई धागे से कच्चा टांका लगा करके फिर धागे को खींच लिया और जितनी भी बची हुई स्पॉन्ज थी वो मैंने इसमें डाल करके सुई से इसको पक्का कर लिया है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब कुशन का जो मैंने कुशन बनाना है प्रिंटेड कपड़े पे मैंने येलो कलर की लीव्स लगा ली हैं और उसके बाद मैं अब इसको ऑल पिन से मैंने इसको एक बार सेट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। फिर बाद में मैंने जो वो सर्कल है इसको मैं बैक साइड से सुई धागे से स्टिच कर लूँगी। अब ये हमारा कुशन डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब बैक साइड से कपड़ा लगा करके हम कुशन को स्टिच कर लेंगे। देखिए कुशन हमारा तैयार है और देखने में अच्छा लग रहा है। सफाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि सफाई ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मैंने स्टिचिंग का काम बहुत ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन फिर भी कुशन बनाने का शौक था तो डिज़ाइन मन में चल रहे थे तो बना दिया। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, आप कुछ भी करना चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों पे थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ा सा समय जाता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, जो आपका मन करता है वो आप बना सकते हैं। तो आपको ये मेरे क्वेश्चन डिज़ाइन कैसे लगे
अगर अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं लगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कमी गिनाने वाले लोग हमेशा आपके गुरु होते हैं। वो आपको मतलब अनजाने में भी कितना कुछ सिखा जाते हैं, वो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते उस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।